हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी यूनिट वन का एक टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो उसके अंदर में हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस फॉर्म। तो ये हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं तो आपके लिए इजी होगा। तो सबसे पहले ये हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी में दिया क्यों गया है, तो हमारे चैप्टर का नाम है प्री फार्मुलेशन। तो प्री फार्मुलेशन क्या होता है, कोई भी फार्मुलेशन के बनने से पहले उसमें बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं कि वो ड्रग जो है हमारा वो एक्सिपिएंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उस पर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, है ना। इसी में हमारे ड्रग की सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी और बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्या होता है ये, तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन रिलेटेड विद द ड्रग फॉर्म, ठीक है। जैसे कि अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, इसमें ये चेक किया जाता है कि हमारा जो ड्रग है वो क्रिस्टलाइन है कि अमॉर्फस है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, तो उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर हमारा ड्रग क्रिस्टलाइन इन नेचर का हुआ तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके जो आप ये मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं वो एकदम समान एरे में क्या है, अरेंज हैं, ठीक है। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और सॉल्युबिलिटी इसकी कम होगी, क्यों, क्योंकि बहुत बहुत ही ज़्यादा डेंस है, ठीक है, तो इसको सॉल्युबल होने में टाइम लगेगा। सेकेंड चीज़ अमॉर्फस, तो अमॉर्फस में आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है अंदर का वो अरेंज नहीं है ठीक से, ठीक है। तो उस कंडीशन पर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए यहाँ पे प्री फॉर्मुलेशन में चेक किया जाता है कि हमारा जो भी पर्टिकुलर ड्रग है वो या क्रिस्टलाइन फॉर्म में है या फिर अमॉर्फस फॉर्म में है। लिखा है इन बिकॉज डिफरेंट इन फिजिकल फॉर्म में कॉज डिफरेंस इन वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, ठीक है। लाइक डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, वेपर प्रेशर एंड कंप्रेसिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि अगर आपका यहाँ फिजिकल फॉर्म ही डिफरेंट हुआ तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो सिंपल सी बात है क्या होगा, डिफरेंट ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रग कैन बी यूज्ड एज सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली कौन सा यूज़ होता है हमारा, सॉलिड, क्योंकि इसको प्रिपेयर करने ईजी होता है, फिर लिक्विड, उसके बाद लास्ट में हमारा गैस यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सॉलिड है वो दो तरह से हो सकता है, एक तो हमारा अमॉर्फस जो हाईली क्या होता है उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है, और एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन जिसकी यहाँ पे स्टेबिलिटी हाई होती है। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल की बात कर लेते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म की। तो क्रिस्टल फॉर्म आर कैरेक्टराइज बाई रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन थ्री डायमेंशनल एरे, वेयर इज दे हैव अ हायर स्टेबिलिटी। द रिपीटिंग थ्री डायमेंशनल पैटर्न आर कॉल्ड एज अ क्रिस्टल लैटिस। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका अरेंजमेंट कैसा है, इसलिए वो स्टेबल फॉर्म में रहता है। अब देखते हैं, द क्रिस्टल लैटिस कैन बी एनालाइज्ड फॉर्म एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न, ठीक है। इसको हम एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न के थ्रू क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, जो हमारा क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन जी होता है, ठीक है, वो ऐसा पोटेशियम फिर सोडियम सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट होता है, और ये हमारा होता है मोस्ट स्टेबल, क्यों, क्योंकि हम इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रिपेयर करें, है ना। अगर हम इसको एमॉर्फस फॉर्म में क्या करें, प्रिपेयर करें, तो इसका जो थेरापेटिक एक्टिविटी है वो कम हो जाएगा, इसलिए हम इसको किस फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब अगर यहाँ पर हम अमॉर्फस फॉर्म की बात करें, तो अमॉर्फस फॉर्म हैव एटम्स और मॉलिक्यूल्स रैंडमली प्लेस्ड एंड डजंट हैव एनी डिफाइंड स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर में। देखिए, यहाँ पे ये रैंडम फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अमॉर्फस ड्रग आर जनरली हैव हायर सॉल्युबिलिटी एंड लेस स्टेबिलिटी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अमॉर्फस आर प्रिपेयर्ड बाई द प्रेसिपिटेशन मेथड के थ्रू, लायोफिलाइजेशन एंड रैपिड कूलिंग मेथड, जैसे कि ग्लास को हम प्रिपेयर कर। अब यहाँ पे हम इसका कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। अमॉर्फस फॉर्म जो होता है वो हायर सॉल्युबिलिटी होती है उसकी एंड हायर डिसॉल्यूशन रेट होता है, जबकि इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे स्टोर करने पे वो क्या हो जाता है, मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, अमॉर्फस इट्राकेनाजोल।